एबीपीएस न्यूज सच का साथी। अब अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम डॉक्टर उमेश शर्मा है। मैं आगरा से यहाँ धरने में आया हुआ हूँ, स्ट्राइक में आया हुआ हूँ। हम सभी बेरोजगार पशु चिकित्सक पूरे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सक संघ प्राइवेट डॉक्टर्स का जो है उसके माध्यम से श्री मुख्यमंत्री जी को अपनी जो डिमांड है हम लोगों की वो रखना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमारी डिमांड उन तक पहुंचे। डिमांड हमारी ये है कि यूपी के अंदर कम से कम 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, उसमें 1500 वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। और उसकी वजह से जब गवर्नमेंट पोस्टिंग नहीं करेगी गांव के अंदर वेटनरी डॉक्टर्स की, तो आज की डेट में 80,000 पे जो एक वेटनरी डॉक्टर की प्रेजेंस है, जो कि कम बीसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से 5,000 पशुधन पे, 5,000 एनिमल्स के ऊपर एक वेटनरी डॉक्टर होना चाहिए, जो अभी तक पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। हमारी डिमांड यही है कि जल्दी से जल्दी सभी 1500 वैकेंसी निकाली जाएं और सभी वेटनरी डॉक्टर्स को उत्तर प्रदेश के अंदर अपॉइंटमेंट मिले, जिससे किसान का जो नुकसान हो रहा है, खेती सीधी सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी से, किसान की इकोनॉमी सीधे वेटनरी डॉक्टर से रिलेटेड है। क्योंकि आजकल जो गाय जितनी भी बांझ हो रही हैं, अच्छा इलाज वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है। पशुधन को जब उपचार नहीं मिलेगा तो गाय जो है वो बांझ हो जाएंगी, बांझ हो रही है तो वो खेतों में जाके खेती को नष्ट कर रही है, जिससे किसान का लॉस हो रहा है। और इनकम किसान की आय 2022 तक दोगुनी तभी होगी जब हम लोगों की नियुक्ति हो। तो हमारी डिमांड यही है कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है 1500 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करे। अच्छा, अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग सरकार से, हम लोगों ने अपनी डिमांड रखी है, अगर सरकार इसका हमारी डिमांड की तरफ उनका रुझान नहीं आता, पॉजिटिव अगर रिजल्ट नहीं आता, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, विधानसभा के सामने हड़ताल करेंगे अपनी, और कोर्ट के माननीय न्यायालय के माध्यम से अपनी जो है जो हमारी बात है, हमारी वैकेंसी की बात है, पोस्टिंग की बात है, उसको रखेंगे। आज आपके धरने का दूसरा दिन है जी। फिलहाल आपसे कोई उच्च अधिकारी मिला या कोई आश्वासन दिया गया आपको? कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों ने इससे पहले भी धरना किया था, अप्रैल के महीने में किया था, तब से अभी दूसरा धरना है, अभी तक किसी ने हम लोगों से आगे बातचीत नहीं की है। आपने विज्ञापन दिया? ज्ञापन हम लोग अप्रैल के महीने में दिया था, ज्ञापन मुख्य सचिव के पास भी हम लोगों ने लेटर दिया हुआ है, और आगे की भी कार्रवाई हम लोग मीटिंग करने के बाद आगे की कार्रवाई हम लोगों को क्या करनी है वो भी हम लोग सोच रहे हैं करने का, आगे कुछ